हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सास्की रेस्टोरेंट के एक और नई चैप्टर में। और आज हम सास्की रेस्टोरेंट के चैप्टर 4 का हिंदी एक्सटेंशन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अपने चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था, जिसमें सास्की और साकुरा लाइब्रेरी में मिलते हैं और पेंजिला को बैट का लालच देके मैप ऑफ हेवेंस बुक के बारे में पता करने की बात कर रहे होते हैं। तो सास्की साकुरा को कहता है, मैं उसके पास पहले जाता हूँ और उसका ध्यान अपनी तरफ रखता हूँ, और उसके बाद तुम वहाँ पे आना और अपने जलवे दिखाना। तो सास्के पेंजिला के पास जाता है, जो हमेशा की तरह बाकी प्रिजनर्स के साथ बैटिंग का गेम खेल रहा होता है। तो पेंजिला सास्के को आता देख कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इस जगह पर देखूंगा। तो सास्के कहता है, हाँ, पर मैं भी तुम्हारे बारे में यही सेम चीज कह सकता हूँ। यहाँ मैं सोच रहा था कि तुम्हें गैम्बलिंग के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो पेंजिला कहता है, अच्छा तुम इस बुक की बात कर रहे हो, असल में मुझे बस पिक्चर्स में इंटरेस्ट है इसकी, और इस बुक में ड्रैगन्स के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स लगी हुई हैं। और फिर पेंजिला सास्के से पूछता है, क्या तुम भी ड्रैगन्स में इंटरेस्टेड हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अच्छी बुक सजेस्ट कर सकता हूँ। ये सुनके सास्के कहता है, मैं ड्रैगन्स की बुक में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मुझे मैप ऑफ द हेवंस नाम की बुक के बारे में पता करना है। इसे सुनके पेंजिला कहता है, अच्छा, पर मैंने तो आज तक कभी ऐसी बुक का नाम नहीं सुना है, हम इसके बारे में कैटलॉग में चेक कर सकते हैं। जिसके बाद पेंजिला सास्के को कैटलॉग दिखाता है, और उस कैटलॉग में मैप ऑफ हेवंस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें वो बुक बेसमेंट में रखी होने की बात लिखी होती है। तो पेंजिला कहता है, अगर वो बुक बेसमेंट में रखी है तो तुम उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि वहाँ पे बस सबसे कीमती बुक्स को ही रखा जाता है, और हम जैसे लोग उन बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। बुक को लेने तो दूर की बात है, अगर तुम वहाँ पे चले भी गए तो उसके लिए तुम्हें डेथ सेंटेंस की सजा मिल सकती है। और इसके बाद साकुरा वहाँ पे आ जाती है और कहती है, क्या तुम लोग मैप ऑफ हेवंस बुक के बारे में बात कर रहे हो? असल में मैं भी उस बुक में काफी इंटरेस्टेड हूँ। तो पेंजिला ये सुनके कहता है, सॉरी पर मैप ऑफ हेवंस बुक ऑफ लिमिट है, पर अगर आप चाहो तो और बुक्स पढ़ सकते हो। तो ये सुनके साकुरा हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, किसी को भी पता नहीं लगेगा अगर हम वहाँ पे रात को चोरी छिपे चले जाएंगे, बस तुम मुझे वहाँ की चाबी दे दो। तो पेंजिला ये सुनके डर जाता है और कहता है, सॉरी मैम, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर इसके बारे में किसी को भी पता चल गया तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो साकुरा उससे कहती है, क्यों ना हम एक गैम्बल करें, अगर मैं तुम्हारी चॉइस के गेम में तुमसे जीत गई तो तुम मुझे चाबी दे दोगे, और मैं रात को जाके उस बुक को रीड करके तुम्हें चाबी सुबह वापस दे दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। तो पेंजिला काफी सोचता है, पर साकुरा के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है, पर हम स्टार लाइंस गेम खेलेंगे। स्टार लाइंस एक तरीके का कार्ड गेम है, जिसमें कार्ड के ऊपर 12 पिक्चर्स बनी हुई है और एक डेक में 60 कार्ड्स होते हैं, यानी कि हर पिक्चर 5 कार्ड के ऊपर बनी हुई है। और फिर पेंजिला साकुरा को पूरे रूल समझाता है और साकुरा उन कार्ड्स को देखने लग जाती है, और फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे करके पेंजिला अपने अर्थ कार्ड का सेट बना लेता है, और इस अर्थ कार्ड के सेट को बीट करने के लिए स्टार कार्ड का सेट चाहिए होता है। पर फिर साकुरा भी अर्थ का सेट ले आती है और दोनों के बीच में फर्स्ट मैच टाई हो जाता है। और ऐसे करते करते जितने भी वो लोग गेम खेलते हैं वो सारे टाई हो जाते हैं। तो आखिर में पेंजिला परेशान होकर चाबी साकुरा को दे देता है और कहता है, मैं तुम्हें ये चाबी तो दे रहा हूँ, पर एक बात याद रखना, उस बुक का नाम कैटलॉग में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुक वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। जब ये ऑब्जर्वेटरी फिक्स की जा रही थी तो यहाँ से काफी सारी बुक्स गायब हो गई थी। और फिर यही कहने के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमें सास्के और साकुरा को दिखाते हैं जो बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तो साकुरा सास्के से पूछती है, क्या जीजी सही तरीके से सो रहा है? तो सास्के कहता है, हाँ, जब मैं सेल से आ रहा था तो वो सो रहा था, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो साकुरा बताती है कि जीजी इन्फर्मरी में काफी ज्यादा आने लगा है, शायद ज्यादा काम करने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी है। तो सास्के कहता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। और फिर सास्के को जीजी की कही हुई बात याद आती है, जिसमें वो कहता है, क्या होगा अगर तुम साकुरा के पास ना हो और कोई फ्लड उसके आगे पीछे घूमने लगे? तो ये सोच के सास्के साकुरा का हाथ पकड़ लेता है और साकुरा के हाथ में एक अंगूठी पहना देता है। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। तो साकुरा ये देख के शर्मा जाती है और काफी खुश हो जाती है। और फिर सास्के साकुरा से पूछता है, आखिर तुमने उस गेम में हर बार टाई कैसे किया? पर साकुरा रिंग पाके उसे कहाँ सुनने वाली थी, वो तो खुशी से उस रिंग को देखे जा रही थी। तो साकुरा उसकी बात सुन के कहती है, अच्छा तुम उस गेम की बात कर रहे हो, उस गेम में मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी, आखिर मैं लेडी सोनाल्डे की डिसाइपल हूँ, उनके साथ गेम खेल खेल के मैंने इतना सीख लिया कि अगर मैं उनसे हर बार जीतती रहूंगी तो मुझे बार बार चैलेंज करेंगी, तो इसके लिए मैंने गेम्स को रीड करना शुरू कर दिया ताकि मैं हर बार उनसे टाई हो जाऊं और वो परेशान होकर गेम छोड़ दें। और यही ट्रिक मैंने पेंजिला के साथ भी यूज करी, और उन कार्ड्स को देखने के बहाने से उन कार्ड्स के मार्क्स को मैंने मेमोराइज कर लिया। हालांकि 60 कार्ड्स को मेमोराइज करना बहुत ज्यादा नर्व रैकिंग था, पर मैं किसी तरीके से उनको याद कर पाई, जिससे मैं हर बार टाई कर पाई उससे। और उसके बाद एक रूम का गेट खोल के वो दोनों बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं,
जहाँ पे सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त साकुरा एक सीक्रेट पैसेज को ढूंढती है जो कि फोर्थ फ्लोर में डायरेक्टर के रूम की तरफ जा रहा होता है। तो साकुरा कहती है इस पैसेज को हम बाद में चेक करेंगे, पर अभी हमें अल्ट्रा पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। और फिर वो दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और शेल्फ को ढूंढने के बाद उन्हें मैप ऑफ हेवंस बुक मिल जाती है। फिर वो दोनों उस बुक को खोलते हैं और वो देखते हैं कि उस बुक के अंदर पेंटिंग्स बनी हुई है। तो साकुरा कहती है ये तो साई की पेंटिंग्स की तरह लग रही है। और वो देखते हैं कि ये पेंटिंग्स ऐसी टेक्निक से बनी हुई है जो ड्रेडाकू में यूज नहीं की जाती। तो वो सोचते हैं कि शायद किसी बाहर वाले ने इन पेंटिंग्स को बनाया होगा। और बाहर से तो एक ही पर्सन उनके माइंड में आता है, सेज ऑफ द सिक्स पाथ, जिसके बाद वो देखते हैं कि उस बुक में जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो उस कार्ड गेम के सिमिलर हैं जो साकुरा ने पेंजिला के साथ खेला था। तो साकुरा सोचती है कि आखिर ये 12 पेंटिंग्स अल्ट्रा पार्टिकल से कैसे कनेक्ट हो सकती हैं। और फिर साकुरा का ध्यान एक पेंटिंग पे पड़ता है जो कि कॉन्स्टेलेशन को दिखा रही होती है। और वो देखते हैं कि कुछ पेंटिंग्स ऐसे कॉन्स्टेलेशन है जो कि पर्टिकुलर मंथ में ही दिखते हैं। तो साकुरा कहती है यहाँ पे 12 पेंटिंग्स हैं, जिसका मतलब ये सारी कॉन्स्टेलेशन अलग अलग मंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो शायद हमें कोई नया क्लू मिल जाए। तो सास्के कहता है पर इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, जिसे सुनकर साकुरा कहती है तुम चिंता मत करो मैं इसे मैनेज कर लूंगी, तो मुझे बस 2 दिन दो मैं तुम्हें इसे डिकोड करके दे दूंगी। जिसे सुनकर सास्के कहता है मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा डिपेंड कर सकता हूँ। और फिर सास्के उन पेंटिंग्स को वापस से देखने लग जाता है और सोचता है लगता है मैंने पहले भी इन पेंटिंग्स को कहीं पे देखा है, पर मुझे बहुत टाइम हो गया इन्हें देखे हुए। और जैसे ही वो बुक के पेज को पलटता है तो एकदम से एक पीस ऑफ पेपर उसके सामने आ जाता है जिसमें द स्टार्स इंक्रीज्ड लिखा होता है। तो वो सोचता है कि आखिर ये क्या हो सकता है। और फिर साकुरा और सास्के की नजर उस पेपर पे बने हुए सिंबल के ऊपर जाती है जिसमें कोनोहा का मार्क होता है। तो ये देख के वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस पे कोनोहा का मार्क क्या कर रहा है। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और 2 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद साकुरा उन पेंटिंग्स को डिकोड करके सास्के को दे देती है, जिसमें जनवरी से अगस्त तक एनिमल्स का ग्रुप होता है और फिर सेप्टेम्बर में वॉच फायर, अक्टूबर में जायंट, नवंबर में शेपर्ड और दिसंबर में एल्डर जो कि ह्यूमंस होते हैं। और फिर उस नोट के पीछे साकुरा ने सास्के से 2 बजे लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहा होता है। और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। सो मुझे लगता है कि जल्दी हमें एक नया क्लू मिलने वाला है। और अभी ये मंगा एक मिस्ट्री बन चुकी है जिसमें नए नए क्लूज हमें मिलते जा रहे हैं। तो क्या सास्के उन क्लूज को सॉल्व करके नरूटो के लिए मेडिसिन ढूंढ पाएगा, जानने के लिए देखते रहिए सास्के रेड स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम अपने 1K सब्सक्राइबर गोल के बहुत करीब हैं। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।